আর বাবা তো আপনি আমাকে শুনি হবে ভূখেতে ভজন ভি নেই হতা দেবী কর সতী আপ কুছ ভি কে লিজিয়ে মে শ্রেষ্ঠ হুঁ দেবী জ্ঞান আর ধন যদি শ্রেষ্ঠ হ্যাঁ তো বো হ্যাঁ জ্ঞান ক্যোকি জ্ঞানী কি পূজা তো রাজা ভি করতা হ্যাঁ অত শ্রেষ্ঠ মে আপ শ্রেষ্ঠ হ্যাঁ ইয়া মে हम दोनों इस विवाद में ना पड़कर इसका निर्णय भगवान विष्णु का छोड़ते हैं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है मुझे स्वीकार है तो चलिए महादेवी क्या बात है देवाधिदेव रोकिए महादेवी जो कुछ हो रहा है वो भी सर्वनाश बन जाए नहीं स्वामी काली को रख चाहिए उन्हें मुड़माल पहन लेने दीजिए वे इस समय आवेश में है नहीं मानी उन्हें रोकना होगा क्रोध और आवेश की एक सीमा होती है आवश्यकता से अधिक क्रोध क्रोध करने वाले के लिए शुभ हो सकता है क्रोध और अग्नि जब तक नियंत्रण में हो तभी तक उपयोगी है किंतु ध्यान रहे मानते काली का क्रोध शिव और मंगल भाव का विरोध न बन जाए ये तो है देवाधिदेव काली तो बाकी को वध कर रही है वे उनके अपराध का उन्हें दंड दे रही है नहीं मानी सभी दानव अपराध नहीं केवल कुछ है इसलिए दानव की जाति क्रम का विनाश अनुचित और अमंगल होगा इस संहार को सीमा के भीतर ही रोकना होगा नहीं देवाधिदेव अब काली को रोकना मेरे वश में नहीं तो ठीक है मैं उन्हें रोकूंगा हाँ आप निश्चिंत रहने के लिए प्रशंसा में सुंदर शब्द भी बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कोई सूर्य की तुलना दिए से कर रहा हो आप बहुत अधिक सुंदर हैं यह सारा संसार परिवर्तनशील है स्त्री अथवा पुरुष जो भी इस जगत में रहते हैं सबके मन में अनेकों प्रकार के सुख भोगने की इच्छा रहती है आपको भली भांति ज्ञात है इंद्र आदि सारे देवता मुझसे अर्थात महिषासुर से परास्त हो चुके हैं मूर्ख इंद्र आदि सारे देवता तुझसे परास्त नहीं हुए ये तेरा भ्रम है वो ब्रह्मा के दिए हुए तेरे वरदान से प्राप्त हुए हैं कुछ भी हो सुंदर
इस समय मेरे पास एक रत्न है, सूर्य की पतंग, चंद्रमा की शीतलता, वरुण का प्रवाह, अग्नि का तेज, ये सब मेरे अधिकार में है। आपको ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है, आप सबकी स्वामिनी बन सकती हैं। यदि आप मेरी पटरानी बनना स्वीकार कर लें। सुंदरी, किंतु मैंने ऐसी कोई हासिल पर बात नहीं की। काल व्यक्ति के मन को फेंक देता है, तू स्वयं काल के मुख में खड़ा है और जीवन के विचित्र सपने देख रहा है। मूर्ख, देख, या तो तू पाताल में भाग जा और देवताओं को उनका राज्य वापस कर दे, या फिर मुझसे युद्ध कर। तेरा वध करने के पश्चात मैं सारे दानवों का वध करके यहां से जाऊंगी। सुंदरी, तुझे किस बात का अभिमान है जो तू मेरा महिषासुर का ये प्रस्ताव पुकारी है? तू है कौन? तेरा परिचय क्या है, बता। मेरा परिचय, जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब पाप मस्तक उठाता है, जब जब संत पुरुषों को कष्ट पहुंचता है, तब तब उनकी रक्षा के लिए मैं शरीर धारण करती हूं। मैं तेरा वही काल हूं जिसके नाम पर तूने अनगिनत कुमारी कन्याओं का वध किया है, और मैंने उसे रोककर इस संसार में उन कन्याओं की पूजा का विधान प्रारंभ किया है। अपने काल को पहचान, ब्रह्मा वर तेरा वध करने तेरे समक्ष है। बनकर मेरे समक्ष आ खड़ा हुआ है। अरे भयंकर से भयंकर व्यक्ति भी मेरे सामने आने का साथ नहीं रखता। किंतु तूने ये साहस इसीलिए किया क्योंकि तूने अभी तक मेरा वास्तविक रूप नहीं देखा। मैं तुझे अभी दिखाता हूं कि मेरा वास्तविक रूप क्या है। मेरा वास्तविक रूप, मैं भी देखता हूं कि तुझ में कितना फल है, कितनी शक्ति है तुझ में। मैं महाकाल हूं, मेरा नाम है महिषासुर। No.
Thank you.